मनु, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, हुआ क्या था? पुलिस कह रही है कि भाई ये विवाद जो है वो एक रेस्टोरेंट में विवाद हुआ था, इसका जय श्री राम के नारे या राम काज से कोई लेना देना नहीं था। आपकी क्या सफाई है इस बारे में मनु, बताइए। जो आपको ये बयान दिया पुलिस ने, बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। जब बर्थडे पार्टी में दूसरी पार्टी इंक्लूड ही नहीं है, इनविटेशन उनको है ही नहीं, तो बर्थडे पार्टी में लड़ाई कैसे हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसको बर्थडे पार्टी में इनविटेशन था ही नहीं? हाँ जी मनु, हुआ क्या था? मनु हुआ क्या था, तफसील से बताइए हमें। किस बात पर विवाद शुरू हुआ और कैसे ये बात यहाँ तक पहुंची कि रिंकू को अपनी जान गंवानी पड़ी? एक मासूम जिंदगी जो है इस तरीके से उलझ गई और इस तरह से खत्म हो गई। हमने 5 अगस्त 2020 में राम जन्मभूमि राम जी की यात्रा निकाली थी। बोलते रहिए मनु, आपकी आवाज आ रही है लगातार, बोलते रहिए आप लगातार। जिसका ये लोग विरोध करते थे, और हम प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। बोलते रहिए मनु, अपनी पूरी बात पूरी करिए, अटक अटक के मत बोलिए, बोलते रहिए अपनी बात। ये इसका विरोध करते थे, बस इसी चक्कर में थोड़ी इनसे एक बार पहले भी अनबन हुई थी, जिससे कि उस टाइम हमने कोई FIR दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि इन्होंने माफ़ी हो गई थी आपस में कि आस पड़ोस के हैं, तो ये उस टाइम से धमकियां देते हुए आ रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं रिंकू को, छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तो इन्होंने कल भैया को जब अकेले आते हुए देखा, तो ये 12-13 लोग मिलकर डंडे और चाकू लेके आए। भैया भागा भागा घर आया, जैसे ही मैंने गेट खोला तो इन्होंने ये भी पीछे पीछे भागते आ रहे थे, तो इन्होंने डंडे बरसाना चालू कर दिए हमारी पूरी फैमिली पे। बीच बचाव में मैंने अपने मम्मी पापा को अंदर कर लिया था, मम्मी पापा को अंदर वाले कमरे में बैठा दिया था, अंदर बंद कर दिया था। मैं जैसे ही भैया को भी करने जा रहा था, इन्होंने भैया को बाहर खींच लिया। भैया को बाहर खींचते ही 10 या 20 मीटर की दूरी पे जैसे ही भैया भागने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बच जाऊं, तो इन्होंने वहां चाकू मार दिया भैया को। बहुत अफसोस की बात है मनु, वाकई बहुत अफसोस की बात है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कल का ट्रिगर पॉइंट क्या था, कल किस बात पर विवाद हुआ? क्योंकि पुलिस रेस्टोरेंट का विवाद बता रही है, दरअसल हुआ क्या था कल ये भी बताइए कि किस बात पर ये लोग नाराज हो गए। और मैंने फुटेज में हम दिखा रहे हैं लगातार, वो फुटेज भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे 12-13 लोग डंडे लाठी रॉड उससे लैस होकर रिंकू को मारने के लिए पहुंचे थे वहां पर। ये लोग आज से नाराज नहीं है, ये 5 अगस्त से ही नाराज हैं, जब से ये हमारा विरोध करते थे। क्योंकि हम मेरा भाई जो बड़ा वाला भाई रिंकू शर्मा, वो हिंदुत्व के लिए काम करता था, हिंदुत्व धर्म के लिए काम करता था, अपने धर्म के लिए काम करता था, तो ये उसका विरोध करते थे। ठीक है, आपकी बात समझा कि हिंदुत्व के लिए काम करने के चलते उसका विरोध करते थे। 5 अगस्त को जब आपने रैली निकाली थी, उसके बाद क्या हुआ था मनु, ये भी बताइए मुझे। उसके बाद थोड़ी सी भैंसाबाजी हुई थी, जो ये नसरुद्दीन को पकड़ा गया है, उसकी वाइफ भैया को आते जाते छेड़ती थी, गाली गलौज करती थी, लेकिन भैया कुछ नहीं बोलता था। तो एक बार इनसे अनबन हुई थी, तो बाद में कोम्पर हो गई थी कि इन्होंने माफ़ी वाफ़ी कर ली थी कि कोई बात नहीं होता है। तो ये जब से ही विरोध कर रहे हैं उस बात का, और हम प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका भी विरोध करते हैं कि ये क्यों करते हैं, और रिंकू शर्मा क्यों आगे होता है अपने धर्म के लिए, ये करते हैं, ये दबा के रखने की कोशिश कर रहे थे सबको। अच्छा मनु, मुझे ये भी बताइए कि आप रिंकू ने तो इस परिवार में किसी के लिए अपना खून भी दिया था, किस बात के लिए खून दिया था और वो क्या वाकया है, वो भी समझाइए मुझे। हाँ जी जो इस्लामुद्दीन है, इस्लामुद्दीन की वाइफ जब प्रेगनेंसी थी, उसकी प्रेगनेंसी डिलीवरी होने वाली थी, तो उसको होश नहीं था, तो भैया ने उसको ब्लड दिया था। और अभी कोरोना काल में एक इन्हीं के घर का शकरुद्दीन नाम का है, उसको भैया ने कोरोना काल में दिखाया भी था उसको, जब कोरोना हुआ था। तो
लेकिन फिर ये इतने एहसान फरामोश क्यों निकले, अगर इस शब्द का मैं इस्तेमाल करूं कि आपने उनके घर में लोगों को जान बचाने के लिए खून दिया और उसके बाद भी उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया? मनु आपको क्या लगता है? हमारे को तो ये लगता है ये जल्लाद से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी तो एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनिए, ये गद्दार हैं। मनु मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो कल का वाक्या हुआ उसके बाद आपने किन किन लोगों से बात की, पुलिस के अधिकारियों का क्या रवैया था आपको लेकर और आसपास के लोगों का क्या रवैया था, कौन कौन लोग आज आपसे मिलने आए और उन्होंने आपसे क्या कहा? अब हमारे साथ सारे ही संगठन हैं और सारे ही पुलिस भी हमें कोऑपरेट कर रही है। अब SHO साहब ने बोला है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई सिक्योरिटी लगा रखी है उन्होंने, सारे संगठन हमारे साथ साथ दे रहे हैं हमारा और सभी हमारे साथ मिलने जुलने मिले थे। हम सारे अभी के हुए, हम अपने भाई के लिए एक ही इंसाफ चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द फांसी हो बस। ठीक है, धन्यवाद।